क्या कोई सांप इतना बड़ा हो सकता है कि एक बड़े से हिप्पोपोटामस को अपना शिकार बना ले? क्या कोई सांप इतना बड़ा हो सकता है कि वो पूरे के पूरे इंसान को निगल जाए? और क्या होगा अगर कोई सांप इलेक्ट्रिक बल्ब को अंडा समझकर निगल जाए? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसके बारे में आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी घटनाओं के बारे में बताएंगे जब कोई बड़ा सा सांप पूरे के पूरे हिप्पोपोटामस को ही निगल जाता है, कभी इंसान को तो कभी इलेक्ट्रिक बल्ब को। और तो और, सांपों से जुड़ी कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिसे देखने के बाद आपके लिए यकीन करना मुश्किल हो जाएगा कि एक सांप क्या क्या खा सकता है। दोस्तों, सबसे पहले हम आपको सांपों से जुड़ी जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, ये घटना अफ्रीका के एक जंगल की है जहाँ एक बड़ा सा सांप किसी और के ऊपर नहीं बल्कि दुनिया के सबसे खतरनाक जानवरों में से एक पॉर्क्यूपाइन के ऊपर हमला कर देता है, जिसे हम भारत में साही के नाम से जानते हैं। दोस्तों, आपको बता दें, साही जानवर वो होता है, इसके शरीर के ऊपर सैकड़ों की तादाद में कांटे निकले होते हैं और जैसे ही इस जानवर के ऊपर कोई हमला करता है तो उसके शरीर से निकले हुए कांटे उस जानवर के शरीर में घुस जाते हैं। ठीक ऐसा ही हुआ उस दिन उस बड़े से सांप के साथ। जैसे उस सांप ने शाही जानवर के ऊपर हमला किया, उसके शरीर में एक या दो नहीं बल्कि सैकड़ों की संख्या में कांटे घुस गए। जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कांटों को घुसने के बाद सांप किस कदर बेचैन हो गया। शायद आपको यकीन ना हो, हमले के बाद शाही जानवर तो मर गया लेकिन महज एक सप्ताह बाद उस सांप की भी भूख और दर्द की वजह से मौत हो गई। दरअसल शाही के शरीर से जो कांटा निकलता है उसमें कुछ मात्रा में जहरीला तत्व पाया जाता है जिससे शरीर में बहुत भयंकर जलन होती है। शायद इसीलिए कहा जाता है कि हमला करने से पहले अपने दुश्मन की ताकत का अंदाजा लगा लेना चाहिए। अब हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, ये घटना इंडोनेशिया के जंगल की है। जंगल के किनारे एक महिला का घर था और वो शाम को टहलने के लिए निकलती है, लेकिन किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि जो महिला टहलने के लिए घर से बाहर निकली है वो कभी दोबारा वापस नहीं आएगी। शाम को निकली महिला देर रात तक घर वापस नहीं आई। किसी को भी समझ में नहीं आया आखिर हुआ क्या, आखिर वो महिला गई कहाँ। चारों तरफ खोजबीन शुरू हो जाती है लेकिन कहीं पर भी उस महिला का कोई अता पता नहीं चलता। लेकिन तभी आसपास के लोगों को महिला के गार्डन में एक बड़ा सा एनाकोंडा सांप दिखाई देता है जिसका पेट बहुत ही फूला हुआ होता है। उनमें से कुछ लोगों को शक होने लगता है कि कहीं जिस महिला को खोजा जा रहा है वो महिला एनाकोंडा के पेट में तो नहीं। आनन फानन में वहां मौजूद लोग एनाकोंडा को मौत के घाट उतार देते हैं और उसके तुरंत बाद उसके पेट को फाड़कर उसकी तलाशी लेते हैं। हैरानी की बात तो यह है कि जो महिला शाम से गायब थी वो महिला उसी एनाकोंडा के पेट के अंदर मिलती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब ना तो वो महिला जिंदा थी ना ही बड़ा सांप एनाकोंडा। उसके बाद से आज भी इंडोनेशिया के उस जगह पर लोग शाम को अपने जंगलों और खेतों में निकलने से डरते हैं। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि कैसे उस सांप के पेट से उस महिला को निकाला गया। ये दुनिया की उन गिने चुने घटनाओं में से एक है जब एनाकोंडा ने किसी इंसान को अपना शिकार बना लिया हो। दोस्तों, आपने किताबों में पढ़ा होगा कि जो सांप होते हैं उनको चिड़ियों का अंडा बेहद पसंद होता है। ये वजह है कि जब गांव में रहने वाले लोगों के घरों के आसपास कोई चिड़िया अंडा दे देती है तो लोग घबरा जाते हैं क्योंकि उन अंडों की वजह से वहां तक सांप पहुंच जाते हैं। और अब हम आपको जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं, यह घटना ऑस्ट्रेलिया के एक गाँव की है जहां पर एक साथ लगभग तीन दिनों से एक ही अवस्था में पड़ा था और उसके पेट में दो जगह गोल गोल फूले हुए दिखाई दे रहे थे। वहां के लोगों को समझ में नहीं आता कि आखिर सांप हिल क्यों नहीं रहा, कहीं उसकी मौत तो नहीं हो गई। जिसके बाद जानवरों की देखभाल करने वाले लोगों को बुलाया जाता है और वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। जांच करने के बाद डॉक्टर बताते हैं कि जो सांप तीन दिन से पड़ा है उसने किसी चूहे को अपना शिकार नहीं बनाया है बल्कि उसने इलेक्ट्रिक बल्ब को निगल लिया है और शीशे से बने हुए बल्ब को वो सांप पचा नहीं पा रहा और बीमार पड़ गया। जिसके बाद डॉक्टर ऑपरेशन करके उस सांप के पेट के अंदर से बल्ब को बाहर निकालते हैं और उसकी जान बच जाती है। डॉक्टर बताते हैं अगर वो बल्ब उसके पेट के अंदर ही फट जाता तो शायद उसकी जान चली जाती। खैर, ये तो हो गई इलेक्ट्रिक बल्ब की बात, लेकिन ये घटना अमेरिका की है जहाँ पर एक परिवार बड़े से एनाकोंडा को अपना पालतू जानवर बनाया था। एक दिन परिवार वाले काफी देर से अपनी इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट को ढूंढ रहे थे लेकिन घर में कहीं भी वो नहीं मिलता, लेकिन इलेक्ट्रिक कंबल के साथ उनका पालतू एनाकोंडा भी उनके घर से गायब था। खोजबीन के बाद पता चलता है कि एनाकोंडा बीमार होकर बेड के नीचे पड़ा है।
जांच के बाद पता चला कि जिस ब्लैंकेट को ढूंढ रहे थे वो कहीं और नहीं बल्कि एनाकोंडा ने धीरे धीरे उस ब्लैंकेट को ही निगल लिया और उस इलेक्ट्रिक ब्लैंकेट का वायर उस सांप के पेट के अंदर उलझ जाता है। हालांकि डॉक्टर इस बार भी ऑपरेशन करके उस एनाकोंडा के पेट के अंदर से ब्लैंकेट को निकाल कर उसकी जान बचा लेते हैं। दोस्तों इससे बात तो साफ है कि एनाकोंडा जैसे जानवरों को पालना कितना खतरनाक हो सकता है। यही वजह है कि अब तक ऐसे कई मामले सुनने को मिल चुके हैं जब कोई पालतू एनाकोंडा अपने ही मालिक के ऊपर हमला कर दिया हो। लेकिन इसके बावजूद भी एडवेंचर के शौकीन लोग एनाकोंडा जैसे खतरनाक जानवर को भी अपना पालतू बना लेते हैं। खैर ये सब तो कुछ भी नहीं, अब हम आपको अगली जिस घटना के बारे में बताने जा रहे हैं उसे सुनकर तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों क्या आप यकीन करेंगे, एक अजगर चूहा बिल्ली या फिर कुत्ते को नहीं बल्कि एक बड़े से हिप्पोपोटामस को निगल जाता है। इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर इस वीडियो को देख रहे हैं। ये वीडियो अफ्रीका के एक जंगल की है जहां पर एक बड़ा सा अजगर हिप्पोपोटामस को अपना शिकार बना लेता है और लगभग 8 घंटे की जद्दोजहद के बाद वो अजगर पूरे के पूरे हिप्पोपोटामस को अपने पेट के अंदर पहुंचा देता है। दरअसल सांप का जो जबड़ा होता है और उसका शरीर होता है वो इस तरीके से बना होता है कि वो जरूरत के हिसाब से फैल सकता है। यही वजह है कि एक छोटे से जबड़े वाला सांप अपने मुंह को फैलाकर पूरे के पूरे हिप्पोपोटामस को निगल गया। अगर इस घटना का वीडियो नहीं बनाया जाता तो शायद ही दुनिया के किसी शख्स को इस बात का यकीन होता। फिलहाल आप इस वीडियो को देखिए जिसमें आप देख सकते हैं कि एक एनाकोंडा किस तरीके से एक बड़े से सुअर को अपना शिकार बना रहा है। दरअसल किसी बड़े से जानवर को निगलने के लिए सांप पहले उसे अपनी कुंडली में जकड़कर मारता है। जब जानवर की मौत हो जाती है तो सांप धीरे धीरे अपने जबड़े को फैलाता है और धीरे धीरे करके उसके शरीर को निगलना शुरू कर देता है। ये प्रक्रिया कभी कभी इतनी धीमी होती है कि पूरा का पूरा निगलने में कई घंटों का वक्त लग जाता है। फिलहाल हम बढ़ते हैं अगली घटना की तरफ। ये कहानी भी ऑस्ट्रेलिया की ही है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया ही वो देश है जहां पर सांपों की सबसे अधिक प्रजातियां पाई जाती है और जहां पर दुनिया की सबसे अधिक जहरीले सांप भी पाए जाते हैं। दोस्तों हुआ यूं कि ये सांप किसी गार्डन में लेटा हुआ था और उसका पेट बहुत ज्यादा फूला हुआ था। कहते हैं जब सांप इस तरह की शेप में हो तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए अभी भी उसने किसी का शिकार किया है। जब लोगों ने उस सांप को देखा तो लोगों ने सोचा शायद उसका अपने मोहल्ले के किसी पालतू कुत्ते को अपना शिकार बना लिया होगा। सबके सब ये सोचकर परेशान हो जाते हैं कि शायद अब तक तो उस कुत्ते की मौत हो चुकी होगी। तभी एनिमल डॉक्टर को बुलाया जाता है जो सांप को लेकर चले जाते हैं। लेकिन एक्सरे के बाद पता चलता है उस सांप के पेट के अंदर कोई पालतू कुत्ता नहीं बल्कि एक बड़ा सा टेडी बियर है। अब लोगों के मन में सवाल आने लगता है कि आखिरकार उस सांप ने टेडी बियर को क्यों निगला। जिसके बाद डॉक्टर बताते हैं शायद पड़ोस का कोई कुत्ता टेडी बियर के साथ खेलता था और उसी कुत्ते का लार टेडी बियर के ऊपर लगा था जिसकी वजह से सांप ने उसे असली कुत्ता समझकर निगल लिया। इन सब के अलावा ऑस्ट्रेलिया में ही एक अजीबोगरीब घटना हुई जब एक पालतू सांप ने गार्डन में एक पाइप के साथ खेलते खेलते उस पाइप को ही पूरा का पूरा निगल लिया। प्लास्टिक का होने की वजह से ये सांप पाइप को पचा नहीं पा रहा था और लगभग 3 दिनों के बाद ही वो सांप बुरी तरह से बीमार हो गया। डॉक्टर के पास ले जाने के बाद ये पता चला कि बस सांप पाइप को खा गया है, अगर समय रहते ऑपरेशन नहीं किया गया तो उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि डॉक्टर इस बार भी ऑपरेशन करके उस सांप की जान बचा लेते हैं। तो दोस्तों देखा आपने सांप कितने खतरनाक हो सकते हैं और कभी कभी कितने अजीबोगरीब हो जाते हैं। दरअसल सांप को दुनिया का इकलौता ऐसा जानवर कहा जाता है जो अगर किसी इंसान के ऊपर हमला कर दे तो उसके हमले से पहले ही इंसान की मौत हार्ट अटैक की वजह से हो जाती है। भारत में सांपों के काटने से हर साल लगभग 1,25,000 लोगों की मौत होती है और उनमें से अधिकतर ऐसे होते हैं जो डर के मारे हार्ट अटैक से अपनी जान गंवा देते हैं। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सांप कितने खतरनाक होते होंगे। खैर ये वीडियो आपको कैसी लगी और क्या आपने कभी सांप को कभी कोई अजीबोगरीब सी चीजों को खाते हुए देखा है, आप हमें कमेंट में बताना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा